नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। लेंको पावर प्लांट गलत नीतियों रवैया के चलते पूरे देश में सुर्खियों में है। पावर प्लांट की अधिकांश यूनिटें बंद हो चुकी है। प्रबंधन कुछ कर्मचारियों को छोड़कर सबको छटनी कर चुका है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है। किसानों के लगभग 1200 एकड़ जमीन पर पावर प्लांट काबिज है। पावर प्लांट हफ्ता नजर आ रहा है। पूरे जिले में प्रदूषण फैल रहा है। नाले के केमिकल युक्त पानी से ग्रामीणों में सांस स्किन की बीमारी बढ़ रही है। ग्रामीण चाहते हैं कि पावर प्लांट चालू हो, नहीं तो प्लांट जमीन खाली करे, हमारा जमीन खाली करे, ताकि हम लोग खेती कर अपना परिवार चला सके। उक्त बातें ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जन चेतना समिति के बसंत डिकसेना के माध्यम से कही। डीएनएक्स टीवी के लिए कोरबा से दयाशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मैं बसंत डिकसेना छत्तीसगढ़ जन चेतना कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, आपके चैनल से मैं यह कहना चाहता हूँ, जब से लेंको पावर प्लांट का स्थापना हुआ, लेंको पावर प्लांट ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। लेंको पावर प्लांट लगभग 1200 एकड़ किसानों के जमीन पर स्थापित है। पावर प्लांट की एक इकाई को छोड़कर सब बंद है। किसानों को अधिकांश मात्रा में मुआवजा नौकरी नहीं मिला है, जिसके चलते किसान आक्रोशित हैं। किसान ये चाहते हैं कि पावर प्लांट चालू करें या खाली करें के जाएं, हम लोग का जमीन वापस करें, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करें। ग्रामीण से चर्चा के दौरान कहा कि जब से प्लांट चालू हुआ है, तब से केमिकल युक्त पानी निकलकर गांव में बह रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में श्वास की बीमारी, खुजली आदि बीमारी ग्रामीणों को हो रही है। साथ में लेंको पावर प्लांट प्रदूषण फैला रही है। लेंको पावर प्लांट के अड़ियल रवैये के चलते प्लांट बंद हो चुकी है। प्लांट में अधिकांश अधिकारी मजदूर को छटनी कर दिया गया है, इसके चलते बेरोजगारी बढ़ गई है। अगर समय रहते समस्या का निदान नहीं किया गया तो हमारे द्वारा आंदोलन चक्का जाम किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि उक्त समस्या का निराकरण शीघ्र कराएं। धन्यवाद। डिक्सना जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम बसंत डिक्सना है। मैं छत्तीसगढ़ जन चेतना कमेटी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अपने कलेक्टर को क्या ज्ञापन सौंपा है? कलेक्टर को मैं लेंको पताड़ी प्लांट के पुनः चालू करने के लिए ज्ञापन सौंपा हूँ। तो क्या है उसमें, ज्ञापन में क्या आपने मांग किया है? ज्ञापन में यह मांग है कि अभी लेंको में लेंको कितना सा एकड़ में लेंको जो है कितना 2004-05 का प्लांट स्थापित हुआ है और 1200 एकड़ में जमीन में लेंको स्थापित है, और उस जो किसान हैं जिनका जमीन अधिग्रहण किया गया है, उस किसानों का करीब करीब 75% किसानों का अभी मुआवजा मिल चुका है और नौकरी मिल चुका है, और 25% लोगों का भी मुआवजा बाकी है और नौकरी लगना बाकी है। तो आप क्या पावर प्लांट से या संचालक से या जिलाधीश से या छत्तीसगढ़ शासन से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग, क्या आप डिमांड करना चाहते हैं?
मैं जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र के गांव के जितना जमीन को अधिग्रहण किया गया है उनके परिवारों को नौकरी में लिया जाए और मुआवजा दिया जाए और प्लांट को जो बंद पड़ा है अभी उसमें 300 मेगावाट का दो प्लांट चालू है और 660 मेगावाट का दो यूनिट जो है उसमें बंद पड़ा हुआ है, उसको पुनः चालू करें और जल्द से जल्द वहाँ के भू स्थापितों को नौकरी दिया जाए। अगर मान लो पावर प्लांट अगर भू स्थापितों को नौकरी मुआवजा नहीं देता है तो आगे आपकी क्या कदम होगा? आगे अपन हमारी कमेटी द्वारा गेट के सामने में हम धरना आंदोलन करेंगे, हो सके तो चक्का जाम भी करना पड़ सकता है। वहाँ के किसान लोग भुखमरी के कगार पर हैं। वहाँ के किसानों को प्लांट नहीं चलने के कारण आर्थिक समस्या बहुत जोरों पर है, भुखमरी की समस्या व्याप्त है। और अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो उद्योग लगे हैं, प्लांट लगे हैं, वो हम स्थानियों को प्राथमिकता दें और नौकरी दिया जाए लोगों को और बेरोजगार ना रहें, वहाँ के लोगों को रोजगार दें क्योंकि वो अपने मूल जमीन को वो प्लांट के लिए दिए हैं। तो हमारी ये मांग है मुख्यमंत्री महोदय जी से कि उनको जल्द से जल्द नौकरी दिलाएं। धन्यवाद। अब चालू कराओगे? नहीं, ये होगा चालू जब होगा आपको पता चल जाएगा। ऐसा तो कितने कितने बेरोजगार हैं बताएं, कितने को? कोई बेरोजगार काम कर रहे हैं। अच्छा, जितने का जमीन अधिग्रहण हुआ है सब काम कर रहे हैं? बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अपने अपने काम मतलब? उनका अपना बिजनेस है, अपने जो कई जगह काम कर रहे हैं, कोई बेरोजगारी थोड़ी रहता है। तो प्लांट के अंदर बिजनेस क्या कर रहे हैं? अरे प्लांट के अंदर नहीं भी, बाहर भी कर रहे हैं ना लोग, अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन प्रबंधन द्वारा, आपके प्लांट के प्रबंधन द्वारा जब जो जमीन अधिग्रहण किया गया है उन लोगों का जो बाकी लोग हैं, 100 में कितने परसेंट को मिला है, कितने को बाकी है? बहुत लोगों को दे दिए हैं, जिनका जो लोग इंटाइटल थे उनको सबको दे दिया, कोई बाकी नहीं है। अच्छा, लगभग कई परसेंट बाकी है? जिनका जमीन गया तो गया। ऐसा? हाँ, प्लांट कब तक चालू करवा रहे हैं? जल्दी होगा, देखो अभी तो कोरोना चल रहा है, इसके थोड़ा डिले हो रहा है।